है। गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल ओ यस लिमिटलेस। तो आज जो हम करने जा रहे हैं मोटो ब्लॉगिंग। हमारे चैनल का फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग है और आज हम जा रहे हैं दिल्ली टू देहरादून, जो कि हम मुझे निकलना था थोड़ा सुबह, बट मैं हो गया बहुत लेट। मैंने सोचा था कल रात को 8 बजे के लिए निकल जाऊँगा, बट अब हो गया है 10:30। तो मेरा सेटअप है, ये बहुत ही अफोर्डेबल है, चीप सेटअप है। तो मैं आपको बताऊँगा कि ये मुझे कितना खर्चा पड़ा और क्या मैंने स्पेंड किया। मुझे बताना कि हमारा जो मोटो ब्लॉग सेटअप है वो कैसा वीडियो आ रहा है और साउंड क्वालिटी कैसा है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली का ट्रैफिक। तो आज का जो हमारा जर्नी है वो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर का जर्नी है। लेट्स सी क्या रिकॉर्ड होता है। और हाँ, और सबसे बड़ी बात जो हमारे साथ बाइक है वो है 300 ट्रिप है, सबसे सस्ता और अफोर्डेबल होने वाला है। कैसा होता है हमारा ये ब्लॉग और आप लोगों को कैसा लगता है। एक तो हम वैसे ही लेट और हमने इतना सारा गलत टर्न ले लिया। अब पता नहीं यार, अभी आगे 1.5 किलोमीटर जाके फिर यूटर्न है, फिर हमें यूटर्न लेना होगा यार। फिर से हम गलत टर्न लेने जा रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ पहले ही याद आ गया और टर्न ले लिया हमने। अभी टाइम 12:30 हो चुका है, अभी हम पहुँच चुके हैं गाज़ियाबाद और मैं यहाँ पर थोड़ा पानी पीने के लिए रुक गया था, पानी वानी पी लिया मैंने। गाज़ियाबाद क्रॉस कर लिया है और अभी हम ये मेरठ वाले रोड पे आ चुके हैं। अभी ये पकड़ के हमको सीधा चलते जाना है। अभी बीच में मैं रुका था थोड़ा पानी वानी पीने के लिए। तो गाइस, अभी हम लोग जो है मेरठ बाईपास पे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ ये मुजफ्फरनगर की तरफ। गर्मी बहुत है और रोड बहुत अच्छा है वैसे, ये पूरा खाली है और छाया, दोनों तरफ पेड़ है, साइड से नदी चल रही है। तो यहाँ से आप जाए, बहुत अच्छा रोड है वैसे तो। रोड गाइस, अभी हमने थोड़ा रेस्ट करना था तो हमने कर लिया है। और ये मेरा जो बैग है ये भी गिर रहा था बार बार खुल खुल के, तो मैंने उसको भी ठीक कर लिया, थोड़ा रेस्ट भी ले लिया, गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट दे दिया। तो अभी हम चलते हैं फिर से। विंड नॉइज बहुत ज़्यादा होगा यार इस वीडियो पे, तो उसके लिए रियली रियली सॉरी। बट हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं एक माइक लेने वाला हूँ अच्छा सा कोई, ताकि यार साउंड क्वालिटी खराब, वीडियो क्वालिटी तो ठीक है बट साउंड क्वालिटी अगर थोड़ा ख़राब होता है तो अब मैं थोड़ा सा ही चला था कि मेरा बैग फिर से गिर रहा है। अब मैं फिर सोच रहा हूँ एक बार पूरा ही खोल के अच्छे से बांध के बांधूँगा, उसके बाद फिर चलूँगा। पता नहीं मेरा बैग बार बार क्यों खुल रहा है। तो अभी मैंने अपने बैग को बांध दिया है फिर से एक बार अच्छे से, अभी मुझे लगता नहीं है गिरेगा। नेक्स्ट 20-30 किलोमीटर तो हम ऐसे ही चले जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। तो अभी मैं हूँ मुजफ्फरनगर सिटी, एकदम मुजफ्फरनगर सिटी में। यहाँ से 125 किलोमीटर और है मुझे देहरादून के लिए। मैं यहाँ से लंच कर लिया, और एक ठंडा
तो यहाँ से 45 किलोमीटर्स और रह गया है, और मैं यहाँ थोड़ा पानी वानी पीने के लिए रुक गया था। 45 किलोमीटर्स है यहाँ से बस, और वो मैं 30 मिनट्स और लगेगा मुझे अगर मैं आराम आराम से भी गया तो भी। तो चलिए चलते हैं फिर। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं देहरादून के शहर के अंदर, मेन सिटी के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा ट्रैफिक है इधर। इतनी देर रास्ता बहुत अच्छा था, पहाड़ों के बीच एकदम घूमते हुए आया। तो अभी जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि मुझे रूम ढूंढना है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई रूम नहीं मिला है। अभी मैं जा रहा हूँ कहीं रूम ढूँढने। तो अभी जो ऐसा हुआ है, मेरे जो यहाँ थोड़े फ्रेंड्स थे मैंने उनसे कांटेक्ट वगैरह किया, और जो मुझे एक जगह का पता चला है बंसल होम्स, तो मैं मुझे लगता है मैं उधर ही रुकूँगा, बंसल होम्स में जा। तो देखते हैं आगे बंसल होम्स। और हाँ, देहरादून की बात करूँ, देहरादून अभी सिटी से बाहर तो बहुत सुंदर था यार, पहाड़ों के बीच। आपने देखा ही होगा थोड़ा बहुत क्लिप, पहाड़ों के बीच एकदम ठंडा ठंडा हवा, मज़ा आ गया। लेकिन सिटी के अंदर आते ही इतना ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गाइस। तो फाइनली मुझे मिल ही गया आखिरकार रूम। अभी मैं जा रहा हूँ सीधा बंसल होम्स, और मैंने मतलब जो वहाँ का कैटेगर है उससे मेरी बात हो गई है, उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस पूरे दिन घूमने के बाद हमें मिल गया है आखिरकार हमारा एकोमोडेशन, जहाँ हमें मुझे रुकना है। और मैं फाइनली देहरादून पहुंच भी चुका हूं। कितना ट्रैफिक था आपने रास्ते में देखा ही, बट अभी आपको मैं एक बहुत अच्छा नज़ारा दिखाता हूं। देहरादून सच में बहुत सुंदर है। तो ये देखिए गाइस, ये रहा मसूरी के पहाड़, और वेदर यहां पे हमेशा बारिश। रूम ढूंढने के लिए मैं वहां पे भी गया था, क्या बोलते हैं जो गेस्ट हाउस वगैरह भी गया था, और धर्मशाला भी गया था, लेकिन वहाँ कहीं पे भी मुझे रूम खाली नहीं मिला। तो देखते हैं, अभी मैं एक दो दिन यहीं रुकूँगा तो आपको दिखाता हूँ मैं देहरादून के बारे में। बट हाँ, मुझे लगा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। आज का वीडियो यहीं तक था, तो बाकी मिलते हैं हम आपको आगे। और हाँ, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारा चैनल, और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।